गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी पहाड़ से। मैं आजकल पहाड़ में हूँ और देवभूमि उत्तराखंड एंड मतकोट और मुंसियारी में। तो मैं अपने घर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे घर से। तो मैं आज अपने घर से ऊपर पड़ोस की गाँव में जा रही हूँ। तो अभी खाना वगैरह खा के नहा धो के, आज काफ़ी दिन के बाद, बहुत जाड़ा है यहाँ, ठंडा लग रहा है। तो नहा धो के अभी जा रही हूँ मैं पड़ोसी गांव में मिलने के लिए, क्योंकि मेरा कल का जाने का प्रोग्राम हो रहा है ना हल्द्वानी, उसके बाद मिलना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ गांव में तो पड़ोसियों को मिलने। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या होता है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, तो मैं आज की स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं 3 बजे के टाइम से कर रही हूँ शाम के। तो पहाड़ के नज़ारे कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो पैदल पैदल जाना, ठंडे ठंडी हवा के साथ, साफ़ सुथरा मौसम, बहुत खिली खिली धूप, बहुत अच्छा सा व्यू हो रखा है। तो मेरी जेठानी जी आ रही हैं पीछे से, मैं उनके लिए रुकी हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ आगे। वो पीछे बकरियों के साथ ना बकरियों को भी लेके आ रही है, तो आगे यहाँ उस साइड पे बकरी चराएगी तो वहाँ आ जाएगी, वो बकरियों को वहाँ लगा देगी और हमारे साथ बैठने के लिए आ जाएगी गांव में। तो जाते हैं गांव में, क्या क्या होता है गांव में देखते हैं। ये पीछे इसके लिए रुकी थी मैं यहाँ पर, तो अभी साथ में जाने लग गए हैं हम लोग। तो कहते मज़ा आ रहे हैं। हाँ हाँ, काश ऐसे ही दिन रोज़ होता हमारे साथ तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए मुझे दूर जाना पड़ा, नहीं तो हम दोनों का बहुत अच्छा साथ था। अभी अकेली रह गई, फिर भी जब भी आते हैं घर में खूब धूम धड़ाके से बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब खूब जाते मज़े से रहते हैं हम, मज़े मज़े रहते हैं हम, मज़े ऐसी है ये, मैं भी ऐसी ही ठहरी। तब दोनों का ठीक बॉन्डिंग हो जाता है, हंसियोल बिल्कुल ज़्यादा बोलते हैं, खूब इंजॉय मज़े से बोलते हैं, खूब हंसी मजाक। तो अभी एक दिन और है तो घर में अभी ऐसे ही खूब ज़्यादा इंजॉय करते हैं, फिर देखी जाएगी आगे की क्या क्या होता है। तो यार दोस्तों क्या करें, पहाड़ में ऐसे भूड़ भाड़ हो गए हैं, जंगल हो गया थोड़ा। पहले तो इस खेतों में हमने काम कर रखा है, अब ऐसा भूड़ बन गया, पूरा जंगल हो गया है, सब लोगों ने घर छोड़ दिया, सब बंजर पड़ गए, खेती बाड़ी ऐसे, बकरी चर रहे हैं, गाय चर रहे हैं। इन खेतों में हमने काम किया था अपने शादी के टाइम पर, ऐसे सब बंजर पड़ गए हैं, इतने बड़े बड़े घास फूस उग गए हैं सब खेतों में। आगे चलो भाई, हाँ तब लागना। ये इनको क्या बोलते हैं पहाड़ में, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं हमको। कितने प्यारे प्यारे डिजाइनदार होते हैं ये, राम बांस बोलते हैं वैसे तो हमारे पहाड़ी में। आप पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो बता सकते हो आप। हाँ, जब ये ऊपर को उड़ जाता है ना, दाना ऐसे दाने लगते हैं इसमें। और देखिए पहाड़, इनके बीचों बीच में घर है, इस साइड को है घर, मतलब जोहारी कुत्ते कितने बड़े होते हैं देख सकते हो आप। इतने अच्छे अच्छे कुत्ते होते हैं ना यहाँ, जोहार के कुत्ते, बहुत लंबे मोटे मोटे कुत्ते। गोलू ले, ये देखो कि कथल ऐसे करके घास काट के ऐसे लुट्ठे लगाते हैं ये गायों के लिए। यही चट्टान से काट के लाते हैं हम ये घास का लुट्ठा बनाने के लिए। कितने बाहर के लोगों को लग रहा होगा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम तो जाते रहते हैं ना, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, हमारी आदत हो गई है तो हमें तो अच्छा ही लगता है इस साइड को। ये रोड ऐसी ख़राब थी एक बार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बरसात में वो आ गई, बाढ़ आ गई ना, तो ये लकड़ी का पुल लगा रखा है ये देखो। ऐसे करके हम चलते हैं इसमें से, ये बहुत डर भी लगता है वैसे, नीचे गड्ढा है तो लकड़ी काट के हम तो ऐसे आ रही है जेठानी जी, देखो लकड़ी के पुल से। डोका बनाने के लिए, डोका बनाने के लिए निंगाल बोलते हैं,
लेकिन वही है, ये डुक्का बनता है इसका और घास भी हो जाती है। अब यहाँ पर आता है, ये हमारा खेत है, यहाँ पे जिरानी लोगों ने गेहूं बो रखे हैं और ये नारंगी के पेड़ सारे सूख गए क्योंकि मेहनत ही नहीं है ना इसमें। नीचे पे रूखा रूखा हो गया तो सब पेड़ अब बूढ़े भी हो गए, दाने भी छोटे छोटे लग रखे हैं संतरे के। तो आ गया यहाँ पे हमारा ये पड़ोसी गांव। अब देखो कितनी भयंकर दार चट्टान दिख रही है और उस साइड पे भी जेठानी जी को मजे आ रहे हैं यहाँ पीछे आने में। खेतों के बीच बीच पांच छह परिवार रहते हैं इसमें। हमारा घर तो बहुत नीचे है, अकेला है हमारा घर यहाँ पे, एक घर यहाँ भी है हमारा पर यहाँ रहते नहीं है, नीचे वाले घर में ही रहते हैं। यो देखो आते ही देखा ये मन ले ऐसे मकान, ये पहाड़ में टीन के बनाने लग गए अब तो। पुराने वाले घर भी मिलेंगे, नए भी दिखने को हैं। धान कूटना, धान अच्छा धान कूट रहे हैं दादी लोग। बोल दी ना तीन लोग कुटाई हो बे, वीडियो बनाना बोल, वीडियो बोलो कर आदमी ने इन को मन लाल भेग ने मिस ने को मन का भेग ने इन को मन लाल भेग ये सब लोग बोल रहे हैं। जी मेरे यहां है होय नहीं दीदी एरा को ना बताया डिब्बा बारी में बताया वो हुनली मां होय आ डिब्बा में बारे में जो हाँ मेरे को आवाज लगाते थे, एक नकटो कटत बोलते थे उनको ही जानता हूँ, बाकी मैं भूल गया बोल गांव मेरा। हमारी जेठो सासू, जेठो बोलते हैं हम, पौणी नन्ना दू ये मतलब मेरे हस्बैंड के दीदी लगते हैं रिश्ते में ये। तो आज इनके घर आए हैं हम लोग, कल ये आए थे हमको मिलने के लिए, आज मैं आई हूँ यहाँ पे। तो अभी बहुत सारे और भी हैं चार परिवार पीछे पे, अभी यहाँ पे बैठे हैं इनके साथ बातचीत। और थोड़ा तमिले बोला भे बुला नहीं वे हमारे नंद था हमारा नंद है मेरे भाई की वाइफ, मेरा भाई की वावी वाइफ बुआर भी आ गया, पहाड़ी बुलाया ओ बुआर भैया ओ मेरे जेठोस भैया दो बीर रे दो बीर गाड़े रे दो बीर गाड़े रे। एक गाना, एक गाना गा दिया मतलब मेसले मामून छ वाल बखतल भीर वाल मेसले मामूला मजे आ गए। हम पहाड़ में पहले इतने मजे करते थे ना, बहुत ज्यादा साथ में रहते थे, बहुत ज्यादा यादें हैं हमारी, साथ था साथ में लकड़ी बनाने, घास काटने, गाय चराने जाते थे, खेत काम करते थे। अब बहुत दूर दूर हो गए, आना जाना भी बहुत कम होता है, तो आजकल ऐसी हो जाती है सालों के बाद मिलना होता है, तो बहुत याद आती है पहाड़ की। तो वैसे भी हमारे के लिए आप चले गए घर से, तो आप मजबूरी हुई बहुत ज्यादा काम काज हुई, घर वालों के घर में हुए, हम बच्चों के साथ हुए वहाँ हुए, तो कभी मौके से आते हैं तो मिलते जरूर हैं, जिंदगी जब तक है तो भेंट घाट मिलना जुलना जरूरी होता है। तो ऐसे ही बनी रहे आगे सबकी जिंदगी कुशल मंगल, तो आगे भेंट घाट होती रहेगी। और बाकी हमारी पहाड़ी बोली भाषा है ना थोड़ा सा अलग है, यहाँ पिथौरागढ़ साइड से ऊपर को थोड़ा अलग सी बोली भाषा है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी में ही कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं। जो कभी कभी लफ्ज पहाड़ी आ जाते हैं तो उसमें भी मैं बाद में समझा ही देती हूँ। तो दोस्तों आज का ऐसा है यहाँ का माहौल, अभी चाय पानी हमारी होगी, तो पहले तो हम बातचीत करते हैं थोड़ा गपशप, फिर देखते हैं आगे और भी शेयर करते हैं आप लोगों से। साहस आए रे भाई बीरत भी, ये देखिए पुराने घर भी हैं, नया घर है यहाँ पे, कितना अच्छा जगह था रे हमारी जन्मभूमि यहाँ का, कितना अच्छा लग रहा है। पहले ज़माने में ऐसे घर होते थे पाथर का, आज भी कितना अच्छा शोरदार लगते हैं ये घर, अब बहुत कम हो गए ऐसे दिखने को, बहुत कम मिलते हैं। किचन, छोटे बकरी के पट्टे, ये दीदी यहाँ पर बैठी है, कितनी स्मार्ट लगती है अभी दीदी पखी। पहाड़ मन ले पहाड़ में ऐसा हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है,
ठंडा स्वेटर सब पहन रहे हैं ये सासु माँ भी फोटो बना रहे हैं वीडियो देखो कितनी स्मार्ट लग रही है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट लग रही है गोरी छवन बढ़िया है रू बल बल वो देख तो कितना अच्छा आई हूँ मैं हाँ फिर ठंडा से काम काम के हाँ पाँव पाँव में जूते खतरनाक वाले हैं प्लास्टिक के ये सब के जूते सब के जूते एक जैसा है भाई थोड़ा पर पर जाते हो यार जूता तो बड़ा मस्त है भाई कपड़े देखो ब्रांडेड कितना और इस जूते को किसी ने पहना ही है यहां वाले अभी ये सागम को जाने वाले जूते हैं हां यार मस्त मस्त भाई कुत्ता भी ये देखा ये हां बहुत अच्छा लग रहा है कुत्ता भी तो जोहारी कुत्ता कितना अच्छा जेठ जी हमारे वहाँ पर पानी सारते सारते देखा ये एक एक बाल्टी पानी लेके आ रहे हैं ये यहाँ पर रख दी पानी बुढ़ा जेठ जी कितने कामदार हैं पानी सार सोच के लगे पैर में अभी पैर में कितने फल लगे हैं अब पक रहे हैं अब तो खत्म होने जाने वाले हैं वो पूर्व वहाँ देखा भाई नारिंग माल्टा का लुमार लग रहा नुको दगड़ियो आज की ब्लॉग में ऐसी हाल हो रहे हैं हमारे बड़े मजे आ रहे हैं चाय पी रहे हैं कहाँ पर ही कहीं पे खाना खा रहे हैं कहीं पे खाना खा रहे हैं कहीं पे पकौड़ी खा रहे हैं कहीं पे हाक रहे हैं रील बना रहे हैं नाच भी रहे हैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के दौरान भी दिखेगा हमारे यहाँ पे और जेठ जी आके बैठ गए वहाँ चुपचाप से ओके बाय मालदा फिर बगवाल भले भे गजब बढ़िया चाया था अन्नाल भाई खाई बढ़िया गल गुल वो देखा बढ़िया ले जाते हैं घास काटने के लिए वहाँ पर रख दी तीन बकरी और डालो बेटा तो आज की ब्लॉग में यही पेंट कर रही हूँ मेरी ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बाय बाय